तुम्हारे लिए नहीं होगा, हमारे लिए तो बहुत कुछ था भाई। इसमें हवा जी, अब सारी हवा निकलेगी अभी, इसमें ढक्का लगा। गाइस तो आज है ट्यूसडे और हमारा लास्ट पेपर, तो आज हम ब्लॉग कर रहे थे क्योंकि हमने बहुत पहले ही सोचा था कि आज ब्लॉग करना है। आज है इंजीनियरिंग का लास्ट पेपर DSA का, तो आपको पता है जो BTech कर रहे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे भाई क्या होने वाला है आज कॉलेज में। मतलब DSA यार किसी ने पढ़ा भी नहीं है ढंग से और किसी को आता भी नहीं है। बाकी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया है, मतलब इतना तो आप ये कि पास हो जाऊँगा। बाकी अब देखते हैं क्या होता है, कैसा पेपर आता है, कैसा किस टाइप का आता है, बाकी और देखते हैं क्या होता है। बस यही है कि आज मैंने आपको देखेंगे, मज़े करेंगे पूरा। ओके गाइस, तो अभी मैं 9 बजे उठा था और थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, बाकी अभी और पढ़ना है। 3:30 हमारा पेपर है, तो 2 बजे लगभग कॉलेज के लिए निकलेंगे, आपको दिखाएंगे। ओके गाइस टाटा। लाइव है हमारे पास का, घर के पास का बहुत तगड़ा ही नेशनल लाइव बन रखा है हमारे घर पे, देखिए मेरा वाटर बॉडी है, वाटरफॉल जहाज चलते हैं, शिप नाव में चलती है, बड़े बड़े जहाज, और एक तरफ ये हवाई पट्टी है। ये राजीव अकेडमी के साइड का है गाइस, ज्यादा दूर नहीं है, कहीं गांव में नहीं रहते हैं, राजीव अकेडमी पास में रहते हैं, फिर भी ये देखिए राजीव अकेडमी क्या नाला दे रखा है। ATM, अब देखते हैं आज अमन भाई को पैसे निकाल ले, बहुत सारे एक बार में तो निकले ही नहीं, इतने निकाल ले। अरे कहना क्या चाहते हो? जा रहे हैं, नाया नहीं, नाया नहीं है गाइस, ये देख लेते हैं बाल चमक रहे हैं, बस नाया चुप्पी कराइए, नाया तो है चेहरे पे पर नाया नहीं है। बहुत सारे पैसे पहले से पड़े थे और ये अब मुझे बता रहा है कि अब ले लियो मुझसे, मतलब कोई हद होती है कि नहीं है? 35,000 रुपये जेब में डाल के चल रहे हैं और कह रहे हैं ATM हमें आना पड़ रहा है, फिर भी तुमने गई थी ATM से निकालने, बोलना चाहिए था पहले यार, क्लियर करके बोला करो। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार बाबू, कट्टूकट बोला करो तुम, कट्टूकट बात हो जाएगी। आए 3 जने, तो आपकी करनी पड़ेगी रोड क्रॉस पैदल, मतलब उस साइड जाएंगे फिर हमें बैठाएंगे, ये आदत। ये रहा वृंदावन, काफी लोगों ने ये गेट तो देखा ही हुआ है, मतलब मोस्टली जो भी रील बनाने आते हैं वो यही तो रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। UP पुलिस की यहाँ पे तैनाती देखिए, संडे कुछ तो बन रहा है पर पता नहीं क्या बन रहा है, मतलब 3 साल हो गए हैं पर बने जा रहा है और अभी तक बन नहीं पाया है। काम तो बहुत जोर शोर से चल रहा है पर पता नहीं चल रहा क्या बन रहा है। लाली यार अपने जानने की कोशिश ही करी पर कुछ बताते ही नहीं। कुछ कुछ तो है, एटलीस्ट काम तो चल रहा है, मतलब जनता का पैसा मतलब लग तो रहा है कहीं। नेता वो मिल गया और इसकी हो चुकी है पीड़ा कर, कंटेंट चाहिए था, कंटेंट मिल गया। अभी मंदिर से निकले थे और तुरंत कंटेंट ही कंटेंट। आदर्श, इट्स मी, इट्स हैपेंड बाय यू नहीं भाई, अपने आप पंचर हुआ है। ये हो गया यार, इसका खेल खत्म। अब तैयार, बाकी अभी हम यही है बीच में ही अपने घर से थोड़ी दूर। आकाश भैया को ला ले तो वो निकल जाए, आकाश भैया को फोन कर दो, स्कूटी लेके आ सकते हैं, इसको घसीट के ले आना पड़ेगा। अब आएगा तो एक एक इंसान ले जाएगा फिर कहीं ना कहीं। धक्का दिलवा रहे हैं, चार दिन तो हवा जी, अब सारी हवा निकलेगी, अभी इसमें धक्का लगाऊंगा ना सब हवा निकल जाएगी मेरी। तो लगाइए तो आदर्श करवा जी, मैं क्यों लगाऊं, पर मैं क्यों, चलो। तो भैया हो चुका है बेड़ा गर्ग। गाइस आज किस्मत अच्छी नहीं है, मे बी और मे बी नॉट, क्योंकि मेरा ब्लॉग बिरयानी मंगाई थी वो भी खून निकली एकदम। बहुत भाईयात बिरयानी का, कोई बात नहीं, नहाया है नहीं वैसे ही तुमने, तो ये थोड़ी बताना होता भाई उसका, इससे क्या लिंक है। अभी घर दूर है भाई, बहुत दूर है। भाई ये देखियो मैं ही लगा रहा गाइस, आपको आपको ये लग रहा हो कि मैं लगा रहा हूँ ढक्का, अनुराग तोमर ढक्का नहीं लगाएगा भाई, उड़ता तीन लिया मैं चल रहा हूँ।
मैं भाई का तो कोई काम ही नहीं था, फिर भी अब लो मजे। देखते हैं पंचर जुड़वाएंगे भाई, और क्या है, अचानक से हो गया इसका खेल खत्म। पता नहीं क्यों अभी बढ़िया से हम बैठ के आ रहे थे, गाड़ी में धक्का लगा रहे थे। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे भैया बनाते हैं पंचर या नहीं। ऐसी लंका लगी एकदम से, पता नहीं क्या हुआ इसमें। बढ़िया, हम लोग बातचीत करते हुए आ रहे थे और खेल हो गया इसका। बाकी ये भैया अभी देखते हैं जो बाकी है। One hour later. तो गाइस अभी हो चुके हैं रेडी, मतलब पूरा ठेला लाल है आज तो। लाल ही लाल है, कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है। तो अभी रेडी हो चुके हैं, बाकी जा रहे कॉलेज, खाना वाना खा के रेडी जाएंगे कॉलेज। और बच गए हैं अभी 1 बजा है, तो 3 बजे से पेपर है, मिलते हैं कॉलेज में। ओके गाइस, टाटा टाटा। गरीब लोगों की फोटोग्राफी कर रहा है क्या? वीडियो आई व्लॉग कर रहा हूँ ना गाइस। ये मोटा आ चुका है और पूरा पढ़ लिया है इसने। भाई कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, क्या कर रहा हूँ भाई मैं, भाई कसम से कल 4 बजे तक फोन चलाया है, उसके बाद दोबारा सो गया, उसके बाद फिर 12 बजे उठा, फिर उठ के दोबारा फोन चलाया है, फिर अभी बस मुंह धो के आ गया हूँ। भाई ये बहुत झूठ बोलता है ये पूरा भाई, आज मेरे धागे खुल जाएंगे बिल्कुल। इसको पेपर से 10 मिनट पहले तक कुछ नहीं आता, पता नहीं पेपर में 30 नंबर कैसे आ जाते हैं। 30 नंबर तो मेरे आज तक आए नहीं पेपर में, 28 तो आए हैं, एक ही बार तो आए हैं, वो भी एक पेपर में, उसी को गिनते रहोगे क्या बार बार? वो भी मैथ में आए थे, ये क्यों नहीं आता? वो भी मैथ में आए थे बस, मैथ में बस, ये मैथ में बस नहीं होता। अब स्टैट्स भी तो दियो, वो अलग बात है, अब की बार जिन लोगों ने पेपर दिया स्टैट्स का, पेपर है डीएसए का है, डीएसए की फुल फॉर्म नहीं पता मुझे यार। चीटिंग करता है तो डाटा स्ट्रक्चर खुद ही बोलेगा, अभी रुक जा, बोल जल्दी जल्दी बोल दे। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे क्या होता है मुझे नहीं पता। डाटा स्ट्रक्चर मुझे उससे पता है जो अभी क्वेश्चन बता रहा था तुझे। एल्गोरिदम 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 डाटा स्ट्रक्चर एंड एंड एल्गोरिदम होता होगा, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। क्या इसमें क्या करके आने वाले हैं पता नहीं, मैं तो पीछे वाले के, क्योंकि देखो पूरी क्लास का डीएसए का पेपर है, तो चीटिंग तो मैं बहुत करूंगा। थर्ड ईयर तो आई नहीं आज, थर्ड ईयर नहीं है, थर्ड ईयर नहीं, बस ये तो और अच्छी बात है। अब तो वो शीट ऐसे करेगा और मुझे सब दिख जाएगा। पर बस उसको भी कुछ आता नहीं होगा मुझे पता है। टेक सेकंड ईयर का छात्र है सेक्शन टी का, इसे जीएलए वालों से अनुरोध है कि इसे जल्द से जल्द धरा जाए। अनुरोध नहीं, अनुरोध अनुरोध अनुरोध, हाँ अनुरोध, वही वही गाइस, अपील। तो मैं कर रहा था शूट, ये तो बता दे 4K30 में कर रहा है, 25 में कर रहा है गाइस, तो बाद में देख लेंगे। नहीं कर रहा था ना तो 25। चलो ठीक है, मिलते हैं एग्जाम, देखते कहां अभी एग्जाम, तो अभी तो बहुत टाइम है, कितना टाइम हुआ तो करता हूं ये टाइम हुआ है अभी कुछ टाइम, बहुत ही बहुत टाइम है। रात का क्या प्लान है? रात को एकदम फोन पहले करेंगे, फोन चार्ज करेंगे, फोन चार्ज फिर खेलेंगे पबजी, फिर मैं देखूंगा मूवी, फिर मैं मंगाऊंगा पिज्जा अगर मुझे पैसे कहीं से अरेंज हो गए, फिर मैं सो जाऊंगा। रात का प्लान बन रहा है, देख 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 कैसे मुस्कुरा रहा है। आज एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो रात का पेपर नहीं है। हां मेरे मम्मी को ईमेल बी सेक्शन में है, ये टी पॉइंट गाइस यहां पे चाय आ रही है। आदर्श गा के सुना दे यही वाला, गा के दिखा देना मैं जानू। अरे गा दे ना, अरे गा दे, गा नहीं है चली का भाई, भाई तेरी इंस्टा आईडी छोड़ दूंगा कमेंट्स में, वो कमेंट्स में भाई कमेंट्स ही कमेंट्स आएंगे। क्या लिरिक्स क्या है वाला, वो कल को हाई कर दे, वो कल को हाई कर देंगे। अरे उसे वो कर दूंगा मैं, क्या कहते हैं उसे वो क्या, अरे ऑटोट्यून लगा दूंगा। ऑटोट्यून नहीं, अभी वो होती है कि नॉइस कैंसलेशन, पीछे की नॉइस कैंसलेशन हो जाती है। हाँ, तो चलो ओके।
ना मैं जानूं ला ला चल रहा है ना मैं जानूं ना तू जाने कैसा है ये मौसम कोई ना जाने कहां से ये हो गया भाई हो गया इतना ही गाना आता है सही बस लोग आ गए ऐसे ऐसे ही हो तो फिर आओ मुझको रुलाओ आ भी जाओ गम ले जा तेरे जो भी तूने दिए या फिर मुझको ला मैं सब कर दिया मैंने सॉरी तो नहीं होगी। ओके गाइस वैसे आपको निनाद क्लब ज्वाइन करना चाहिए काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा वहां से आपको आप सेंटर में एंड आप देखते हैं बैक है गाइस बैक ये भी टैग है सेंटर चलो वैसे भी डाल देना पीछे कौन सी वाली अर्जुन सबसे पहले हम ही निकलेंगे दोनों भाई अंदर सम्मानित कराया जाता है डेली हम बता लेट आकर क्यों निकलेंगे अगर निकलेंगे तो लेट क्यों निकलेंगे क्योंकि हम पीछे वाले से पूछ रहे हैं कर लिया कैमरा ऑन नामा ने कर लिया कैमरा ऑन देख डीएसए का पेपर देते हुए ब्लॉगिंग देख नामा ने कर बुद्धि लाओ मोटे भी यही है भाई नहीं नहीं मुंह बुलाना तो भाई अभी सेंटर में जा ही रहे हैं एंटर बाकी सबका मेट्रो वेस्ट ऑफ लिख दे लिख दो पेपर में पास होने के लिए तो अबे तू आगे का ब्लॉग क्यों कर रहा है ना वो तो ऐसे घूम गया कड़ा कड़ा अभी देखा ये क्लास के बाहर का व्यू डिस्कस अमन चबे डिस्कस आज हमारा डीएसए का पेपर और क्वेश्चन पेपर हमसे बोलेगा कंटेंट दे रहा हूं कंटेंट दे रहा हूँ कंटेंट ही कंटेंट है भाई कंटेंट ही कंटेंट है ना माने देख 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 ये गाइस ये देखो ये बाकी याद रख लिया पेपर देने अब हम भी आ रहे ऊपर मेरा ऊपर है सर अर्जुन भाई छोड़ दे अब क्या भाई अभी पढ़ना शुरू किया छोड़ कैसे लास्ट के दो मिनट की पढ़ाई यही तो सबसे ज्यादा काम आती है One hour later. मामा एक सही बात बताइयो दो क्वेश्चन बताए थे आए इतनी आए डाटा स्ट्रक्चर तो भाई वो मैं कर ही आया करके आया अब मेरा आ रहे हैं 15 प्लस मतलब 20 अराउंड देख बोला था दो क्वेश्चन कौन था फोन पे कह रहा था ये कौन कह रहा है जो हमने कह दिया वो आएगा तो भाई हो चुका कैसा हुआ पेपर बस वही तो क्वेश्चन कराया भाई पेपर ही समझ नहीं आ रहा था मतलब अजीब ही लेकिन 20 लगभग मेरा बहुत पीछे आ गया था एक लड़का मेरे तो सीट चेंज करा दी उसने कैसा गया पेपर ठीक हो गया तेरा कैसा हुआ बाकी अभी अर्जुन कर रहा है पेपर एक क्लास में दिखाता हूँ अर्जुन और बच्चे मतलब कम ही दिख रहे होंगे आज से फाइनली हो चुके हैं पेपर खत्म अब मैं रॉक मजा आ रहा है मतलब 20 अराउंड तो लगभग पहुँचाना चाहिए मेरे हिसाब से ठीक ठाक हो गया पेपर लास्ट में थोड़ा सा अच्छा हो गया बाकी ये कुछ मौसम जेले क्राउड एग्जाम के बाद क्राउड ये
ये कैसा हुआ? बढ़िया 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 ये थ्योरी और कोड दोनों पढ़ के आया हूं मैं तो कोड पढ़ के आया था थ्योरी मेरे को पीडीएफ उसी में से क्लियर हो गई मेरी पूरी भाई मैं तो कोड भी लिख के आया हूं क्या 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 एब्स्ट्रैक्ट का तुम्हें पक्का बता था वो आएगा अरे क्वेश्चन कौन सा था तुम्हारे लिए नहीं होगा हमारे लिए तो बहुत कुछ था भाई इसमें कैमरे में देख के बोलो इन लोगों के लिए बहुत कुछ था मेरे लिए एकदम मेरा 3000 रेडी है गाइस डन है इस कॉलर से बोर चली जाएगी वो अलग से 20000 रुपए उसके अलग जाएगा बाकी आज लास्ट पेपर अमन लास्ट पेपर था इसके बारे में क्या कहना है क्या बताऊं भाई लास्ट पेपर लास्ट ही रह गया वो सपना सपना ही रह गया है मैं सोचा था अच्छे से अगर चला जाए सैड लाइफ तो भैया पेपर वेपर तो हो गए खत्म अब हम जा रहे हैं घूमने पता नहीं कहाँ जा रहे हैं वो घूमने गए हम मोमोज खाने जा रहे हैं गाइस क्योंकि मोमोज पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा और काफ़ी जरा पेपर चल रहे थे कहीं निकले ही नहीं बाजार बाजार के लिए अब ठीक लग रहा है आज मज़ा आ रहा है पर घूमने ठंडी ठंडी हवा स्कूटी डाल आया आपको दिखा दे मथुरा के मतलब ठीक ठीक बहुत अच्छे बना बहुत अच्छे या ठीक है मतलब अच्छे लगते हैं उसे गाने कुछ खास था नहीं दे नाच का मतलब ऐसे ही एग्ज़ाम था यार तो कुछ लोगों को एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो वही उन्हें तो बुरा ही लगेगा बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा वो कैमरे पे बता नहीं सकते ना तो बस वो ऑफ कैमरा था पर एग्ज़ाम ही ऐसा था ठीक ठीक हो गया मेरा तो ठीक था बाकी लोगों का भी ठीक ही है मतलब ना थोड़ा सा बाकी अब रेगुलर ब्लॉग तो यार नहीं क्योंकि घरवाली क्या है बीटेक चल रही है तो रेगुलर ब्लॉग तो नहीं आ पाएंगे पर हाँ कोशिश करूँगा कि थोड़े से ज़्यादा ब्लॉग डालें और ठीक है भाई यही छोटा मोटा ब्लॉग था अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को शेयर करें ओके गाइस टाटा मिलते हैं पता नहीं सोच रहे हैं कुछ प्लान कर रहे हैं हम आगे का होली आ रही है ना तो मथुरा की होली तो आपको पता ही है देखते हैं अगर मतलब कर पाए तो मथुरा की होली के ब्लॉग बनाएंगे तो वही डालेंगे ओके गाइस टाटा